दोस्तों नमस्कार। वेदों और पुराणों में हम सभी के जीवन के सभी आवश्यक पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। हम कैसे, कब और क्या हमें खाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए और किस वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सभी बातों के बारे में विस्तार से हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हिंदू धर्म में कुछ विशेष तिथि होती है जिनमें कुछ वस्तुओं को खाने की मनाही होती है और कुछ विशेष चीज़ों को खाने पर जोर दिया जाता है। ऐसी ही कुछ तिथियों को क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है और क्या नहीं, इस बारे में आज हम आपको इस बताने जा रहे हैं कि क्या आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। किसी भी महीने की प्रथम तिथि को ध्यान रहे, किसी भी महीने की प्रथम तिथि को हमें भूल कर भी कुष्मांड यानी पेठे का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करने से हमें आने वाले समय में धन का नुकसान झेलना पड़ता है। कुष्मांड का प्रयोग माँ कुष्मांडा की पूजा में किया जाता है। इसका भोग आमतौर पर नवरात्र में माँ कुष्मांडा का भोग लगाने में किया जाता है, इसलिए निश्चित रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। किसी भी महीने की चतुर्थी तिथि को भूल कर भी मूली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता आती है और कई प्रकार के आपके बने बनाए जो भी आपके कार्य हैं उसमें बाधा उत्पन्न होती है, परेशानियां होती हैं। भूल कर भी आपको चतुर्थी तिथि के दिन खाने में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके प्रयोग से निश्चित रूप से बचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी पर आप लक्ष्मी आप पर सदैव प्रसन्न रहे तो आपको भूल कर भी रात में दही और सत्तू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रात के वक्त किसी भी रूप में दही और सत्तू का प्रयोग नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। रात के वक्त दही का प्रयोग स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी काफी हानिकारक माना जाता है, इसलिए इन सब चीजों से वर्जित रखना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भी शास्त्रों में बताया गया है कि क्या खाना सही माना जाता है और क्या नहीं। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी तिलयुक्त पदार्थ नहीं खाना चाहिए। सूर्यास्त के वक्त किसी से नमक भी उधार नहीं मांगना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं और लक्ष्मी आपसे दूर चली जाती हैं। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन भूल कर भी ध्यान रहे, इस दिन भूल कर भी मसूर की दाल, अदरक और लाल रंग के साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मवैतत्त पुराण में कहा गया है, बताया गया है कि रविवार के दिन लाल वस्तुओं का सेवन करना सही नहीं होता है। ऐसा करने से आपके घर में लोग बीमार होने लगते हैं और घर के अन्य सदस्यों की तरक्की जो है, भाग्योन्नति जो है, वह रुक जाती है, इसलिए निश्चित रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, इन सब चीज़ों से परहेज करते हैं तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप सब यूं ही लाइव सिटीज के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, वंदे मातरम।